नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं vdqure.com। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे का लाल सब्सक्राइब बटन को दबा के इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता। दोस्तों, हिमालय ने लॉन्च कर दी है ओरो टी लिक्विड। आप देख सकते हैं ये ओरल म्यूकोसाइटिस में ये इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, सबसे जो बड़ी बात यह है, इस वीडियो में हम आगे जानेंगे क्या है ओरल म्यूकोसाइटिस, इससे आपको क्या क्या तकलीफ़ें होती है, कैसा ये दिखने में होता है। हम जानेंगे ओरोटी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट है और ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, अगर हम जाते हैं ओरल म्यूकोसाइटिस के बारे में, तो ओरल म्यूकोसाइटिस जिसको हम सिंपली बोलते हैं मुंह में छाले पड़ना, यानी हम देखते हैं अक्सर हमारे टंग या फिर जो होठ होते हैं या फिर गाल के अंदर अंदरूनी साइड में जो म्यूकस लेयर होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। जनरली इंडिया में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि हम लोग गुटखा या फिर तांबूल पान ये सब हम लेते हैं, तो जिसके वजह से बॉडी में जो म्यूकस लेयर रहता है ऑरल कैविटी में, उसमें कभी कभी अल्सरेशन हो जाता है। तो ये अल्सरेशन जब बॉडी में हो जाता है तो इससे कभी कभी देखा गया है सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होती है, और जो ओरल अल्सर होने की वजह से आपको खाने में बहुत दिक्कत होती है, एक जलन सा महसूस होता है, अक्सर एक जलन सा महसूस होता है तो खाने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। सिर्फ ये सिर्फ कारण नहीं है, अगर आपका पेट में वर्म्स होता है तब भी मेल न्यूट्रिशन के कारण, या फिर अगर आपका जो न्यूट्रिशन है उसमें अगर प्रोटीन डाइट कम है तो प्रोटीन डाइट कम होने से मुंह में छाले पड़ सकते हैं। लेकिन जो ओरोटी का जो मेनली जो यूज़ है, जो एक जो गोल था वो था कैंसर पेशेंट के लिए, यानी देखा गया है कि आफ्टर कीमोथेरेपी ज़्यादातर पेशेंट का मुंह में छाले पड़ना, यानी मेल न्यूट्रिशन की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से, तो अक्सर देखा गया है कि मुंह में छाले ज़्यादा पड़ते हैं, तो उसके बाद उन लोगों का अच्छे से नहीं खा पाते हैं, जिसके कारण और भी हेल्थ डिटोरेट करता है। तो इस हिसाब से ओरोटी सिर्फ आपका ओरल अल्सर को दूर नहीं करेगा, साथ में आपका जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस रखने में भी आपको मदद करने वाला है। तो दोस्तों, हम देखते हैं क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट है, तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट को क्या क्या है इसमें। तो देख सकते हैं इसमें त्रिफला 400 mg, हरिद्रा और हनी। तो हमको पता है सबको कि जो हनी होता है, हनी बेसिकली एक एंटी इन्फेक्टिव है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फेक्टिव है, एंटी एक जैसे हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी एंटीसेप्टिक, उसी जैसा काम करता है ये हनी। साथ में हरिद्रा जो है वो भी एक पोटेंट एंटी बैक्टीरियल, एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है हरिद्रा का। त्रिफला का भी सेम है, साथ में त्रिफला और हरिद्रा दोनों नया सेल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण कोई भी अल्सरेशन होने के बाद वहाँ पे बहुत बढ़िया से सेल ग्रोथ भी हो जाता है। तो अगर देखते हैं तो ये भाप प्रकाश आप देख सकते हैं, भाप प्रकाश से ये लिया हुआ है, तो भाप प्रकाश का जो रेफरेंस है उसी से इसको लिया गया है। तो हालांकि इसमें तीन ही इंग्रेडिएंट है, हरिद्रा, त्रिफला और मधु, हालांकि त्रिफला में आमलकी, बैड़ा और विभीतकी, ये तीन अलग अलग फल का एक्सट्रैक्ट होता है त्रिफला में। तो कुल मिला के वहाँ पे तीन और ये दो, हरिद्रा और ये पांच इंग्रेडिएंट हो गए, तीन दिखाई दे लेकिन एक्चुअली इसमें पांच है, साथ में इसमें दो अदर इंग्रेडिएंट भी हैं, मिथाइल पैरावेन और पॉलीपैरावेन सोडियम, तो ये दोनों ऐसे प्रिजर्वेटिव काम करता है। तो दोस्तों, अगर इसको देखूँ, इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन है, तो चलिए देख लेते हैं इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। ये एक पेपर है, तो देखते हैं इस पेपर में क्या है। इससे पहले पीछे को और जाते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसको लेते हैं, इसको जो दिया हुआ है गर्गल विथ 5 ml to 15 ml ओरोटी ओरल रेस फॉर 1 मिनट और लॉन्गर इफ पॉसिबल, तो आपको ये 5 से 15 ml तक लेना है आपको, और दिन में 4 से 5 बार आपको इसको इस्तेमाल करना है, और ध्यान देने की बात है कि पूरे ओरल कैविटी में ये अच्छे से लगना चाहिए। तो इंडिकेशन है इसका ओरल म्यूकोसाइटिस इंड्यूस्ड कैंसर रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी,
ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, इसमें भी इसको आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। सांस में आप फेरेंजाइटिस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि ये अगर आप जनरल गर्गल के हिसाब से भी लें तो भी ये आपका ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए और आपका कोई भी ओरल कंडीशन जिसमें आपको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, या फिर आपका गले में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है, टॉन्सिलाइटिस भी है, या फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आपका हो रहा है, तो इसमें भी आपको इससे काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो अगर आप देख सकते हैं, ये हेल्प्स इन डाउन रेगुलेट द इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ऑफ द ओरल म्यूकोसाइटिस एंड रिड्यूस द पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। तो सबसे जो बड़ी बात है, ये बर्निंग सेंसेशन के कारण और पेन के कारण अक्सर लोग नहीं खा पाते हैं मुंह को। कभी कभी जब सब म्यूकोसाइटिस फाइब्रोसिस हो जाता है तो मुंह के चारों ओर से ये पूरा मुंह नहीं खोल सकता है वो लोग, तो जिसके कारण खाना अच्छे से नहीं खा पाते हैं, तो वो भी बहुत ही पेनफुल होता है। तो इस अगर इस रेगुलर यूज़ करते हैं तो इसमें भी आपको आराम मिल जाएगा। इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द लेशन एंड प्रमोट्स फास्टर हीलिंग, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जनरली जो हम जो जो मार्केट में जो मिल जाता है, जो केमिकली ट्रीटेड होता है, उसमें अल्कोहल रहता है। बहुत लोग अल्कोहल को लेना भी नहीं चाहते हैं, और अल्कोहल रहने की वजह से, क्योंकि ये ओपन एक लेशन रहता है, तो अल्कोहल लगने के साथ साथ बहुत ही एक सनसनी सा महसूस होता है, वो भी बहुत ही पेनफुल होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप ये लेते हैं तो इसमें नहीं आपको जलन होने वाला है और नहीं आपको वैसा एक सनसनी महसूस होने वाला है। इसके कारण जो ओरोटी है, ये बाकी जितने भी प्रोडक्ट आपको केमिकल ट्रीटेड मिल जाएगा मार्केट में, उससे ये बेहतर होगा। तो अगर आप देखते हैं, इट हेल्प्स इन मिनिमाइज द चांसेस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड एसोसिएटेड टिश्यू डिस्ट्रैक्शन। यानी अगर आप देखते हैं कि अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी कुछ लोगों में ये आपका अगर म्यूकोसाइटिस होता है, यानी म्यूकस का इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसमें कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो सेकेंडरी चांसेस भी कम हो जाता है। साथ में इट हेल्प्स इन डाउन रेगुलेट द इन्फ्लेमेटरी सेज एंड प्रिवेंट्स फाइब्रोसिस ऑफ ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी जो चेंज होते हैं उसको भी वो कम कर देता है। तो साथ में ये वेल टॉलरेटेड है, एक्सेप्टेबल टेस्ट, इसमें मधु है, थोड़ा मीठा होगा ही। इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर इसकी बात करूँ क्लिनिकल ट्रायल की, देख सकते हैं टर्मरिक का दिया हुआ है विद द पावर ऑफ टर्मरिक। तो ये क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने 40 पेशेंट्स को दिए थे क्लिनिकल ट्रायल, 1250 और 20 मेल एज बिटवीन 18 to 15 ईयर सफरिंग फ्रॉम ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। डोजेस ड्यूरेशन, पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू डाउनग्रेड 10 टू ओरल ऑटोरेस्ट 1 मिनट फॉर 4 times ए डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days। और अगर 60 days के बाद का हम बात करते हैं तो डिफ़िकल्टी इन ओपन माउथ अगर देखते हैं तो धीरे धीरे ये कम हो गया है। ठीक है, ये कम हो गया है। आप तो देख सकते हैं ये 30 days में था, ये कलर जो है पर्पल ये जो था, उसके बाद ये 30 days और ये एट एंट्री, धीरे धीरे ये कम हो गया है। आप देख सकते हैं तीनों में ये है पेन इम्प्रूवमेंट इन सिग्निफिकेंट इन ओपनिंग। ठीक है, ये है हाइपर कैटरोसिस और पेन एट रेस्ट इन ओरल कैविटी। तो अगर इसमें हम आते हैं रिडक्शन ऑफ लेशन साइज, ये भी देखिए ये भी कम हो गया, लेशन साइज भी कम हो गया। ये एंट्री में था, ये 30 days आफ्टर 60 days। ये अब देखते हैं सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन माउथ ओपनिंग, ये देखिए ये एंट्री में था और धीरे धीरे ये बढ़ गया है। तो नो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट शॉर्ट और लॉन्ग टर्म एडवर्स इवेंट आइदर रिपोर्टेड और ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एंटायर स्टडी पीरियड। तो सबसे जो बड़ी बात है, ये प्योरली हर्बल है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट क्लिनिकल ट्रायल तक तो अब किसी ने नहीं देखा है। तो कॉन्क्लूशन जो आता है इसका, ओरोटी इज अ सेफ एंड इफेक्टिव एंड रिलीविंग द सिम्टम एसोसिएटेड ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ आप ओरल सब आपका सिर्फ इस कंडीशन नहीं, सबकी आपका तब म्यूकस फाइब्रोसिस ही नहीं, बल्कि आपका अगर दूसरा कोई भी प्रॉब्लम आपका हो जाए ओरल कैविटी में, कोई भी छाले पड़ जाए या फिर कहीं भी कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ कभी कभी दांत से भी कभी कभी कुछ इंजरीज हो जाते हैं टंग में या फिर आपके गालों में, तो उसमें भी आपको ये आराम देने वाला है। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट होना चाहिए। अभी तक मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है और कोई पेशेंट को मैंने नहीं दिया है, हालांकि आज ही मेरे पास ये आया है। तो आशा रखता हूँ ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही अल्कोहल फ्री है और बहुत लोग अल्कोहल लेना भी नहीं चाहते हैं, तो ये इस हिसाब से भी बहुत ही बेहतरीन होगा। तो देखते हैं दोस्तों, बस आज इतना ही ओरोटी को लेके। बाकी जब क्लिनिकल ट्रायल में मैं जब पेशेंट को दूंगा, मुझको अगर कुछ और कुछ फीडबैक मुझे मिलेगा इससे, तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर उसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद।